हेलो बच्चों, मैं हूँ पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर हमने ये कंटेनर में इस तरफ एक सॉल्यूशन लिया और इस तरफ दूसरा सॉल्यूशन लिया और बेटा इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी क्या? तो ऐसा वॉल जो सॉल्वेंट को फ्लो होने में अलाउ करेगा लेकिन सोल्यूट को रोक के रखेगा। जैसे इसमें वाटर है मान लो सॉल्वेंट और इसके अंदर कुछ सोल्यूट है। सिमिलरली इस तरफ भी ये वाटर है आपका सॉल्वेंट और ये है अपने सोल्यूट। बराबर समझना बेटा। इस तरफ मैंने हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बनाया, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें मैंने सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा ऐड किए हुए हैं। कंपैरेटिवली इसमें सोल्यूट पार्टिकल कम है, यानी ये क्या हुआ आपका लो कॉन्सेंट्रेटेड और ये क्या है हमारा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दोनों तरफ का वॉल्यूम सेम है और इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, ये कंपैरेटिवली लो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो सेमी परमिशन देगा यानी सॉल्वेंट को फ्लो होने देगा लेकिन सोल्यूट पार्टिकल को फ्लो नहीं होने देगा। तो इसमें प्रैक्टिकली एक चीज ऑब्जर्व होती है कि जो सॉल्वेंट रहता है यानी वॉटर, वो आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होना चालू कर देता। तो ये जो फ्लो है किसका, सॉल्वेंट का यानी वॉटर का, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, या तो फिर हम और एक चीज ले सकते हैं, जैसा हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन रखा है। फॉर एग्जांपल आप वाटर के अंदर शुगर मिक्सअप कर दो तो ये आपका हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। और इसके सराउंडिंग में कंटेनर में ले लिया वाटर। अब बेटा ये वाटर लिया यानी प्योर ओनली सॉल्वेंट ले रहे हो आप, ठीक है ना, सिर्फ सॉल्वेंट लिया और इसमें ले लिया सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपका ये जो सॉल्वेंट रहेगा ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ फ्लो होगा ऐसे, जिसके वजह से आपका इसके अंदर का वाटर लेवल बढ़ेगा, यानी ये जो लेवल था ये लेवल और इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। तो यहां पर क्या हुआ, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू दिस सॉल्यूशन, इसे भी आप ऑस्मोसिस कहते हो। सो ऑस्मोसिस को दो तरीके से बता सकते हैं, यानी सॉल्वेंट का फ्लो होना इनटू द सॉल्यूशन, या तो फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। दो डायग्राम में का फर्क समझा, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट का फ्लो बताया सॉल्यूशन में यानी ऑस्मोसिस, यहां हमने बताया कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी सॉल्वेंट फ्लो होता है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। अब व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये कैसे होता है? अब देखना, डेफिनेटली यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, इसी वजह से ये हाई प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ एंटर हो रहा होगा। तो ये जो वाटर है वो यहां से इसके तरफ एंटर हो रहा है, तो जब ये एंटर होगा तो यहां का लिक्विड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब ये लिक्विड का लेवल इंक्रीज हो गया, जितने हाइट तक वाटर इसके अंदर इंक्रीज हुआ तो उसका प्रेशर ले लेना, क्योंकि जैसे जैसे यहां पे लेवल अब इंक्रीज हो रहा है, मान लो अब ये लेवल इंक्रीज होते होते यहां तक गया, यानी ये वाला वाटर लेवल जो इंक्रीज हुआ है वो आफ्टर ऑस्मोसिस यानी ये अंदर आने के बाद,
और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वेट इंक्रीज होगा इसका, और इसका जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब ये अंदर आना बंद हो जाएगा। यानी ये जो वाटर अंदर की तरफ फ्लो हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वाटर इसके अंदर चढ़ते जाएगा तो इसका भी प्रेशर बिल्टअप होगा रिवर्स में, तो इसके वजह से प्रोड्यूस होने वाला प्रेशर अगर इसके प्रेशर के इक्वल हो जाए तब आपका फ्लो रुक जाएगा, यानी वाटर का अंदर जाना रुक गया आपका। तो ये जो प्रेशर है यही यानी यहां का प्रेशर है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। या तो आप रिवर्स तरीके से भी कह सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में हमारा वाटर लेवल, इसमें स्टार्टिंग में हमारा सॉल्यूशन का लेवल यहां तक था, अब हमें क्या करना है, जैसे इसको पानी के अंदर डाला, जैसे इसको पानी के अंदर ऐसे रख दिया, वैसे यहां पर आप प्रेशर अप्लाई करना चालू कर दो, इसमें से एक भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, यानी यहां से कोई भी सॉल्वेंट अंदर आ ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहां पर मैं जितना प्रेशर लगा के रखूंगा उसे भी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकता हूं। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को दो तरीके से बताओगे, कि सॉल्वेंट को अंदर आने से रोकने के लिए, सॉल्वेंट को अंदर आने से रोकने के लिए मैं जितना प्रेशर लगा के रखूंगा उसे भी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकता हूं, या तो फिर जो इसके अंदर इसको आने दो, यानी कि इसको सॉल्वेंट को अंदर आने दो, अब ये सॉल्वेंट अंदर आते जा रहा है, ये लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, ऐसा होते होते जब तक वाटर एंटर करेगा तब तक उसको अलाउ करो, एक स्टेज आ जाएगी जिस स्टेज पर वाटर अंदर आना रुक जाएगा। अब ये पूरा अंदर आना रुक गया तब ये लेवल आपका यहां तक आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब सॉल्वेंट अंदर आना रुक गया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो प्रेशर बनेगा उसका प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल आ चुका होगा, तब ये अंदर एंटर होना बंद हो गया। यानी अगर मैं इसका प्रेशर रो जी एच करके ले लेता हूं तो ये भी मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। समझा बेटा इतना? नेक्स्ट, अब हमने ऑस्मोसिस देखा और ऑस्मोटिक प्रेशर देखा। ऑस्मोसिस यानी क्या? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट और वाटर इनटू द सॉल्यूशन, दैट इज ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या? वाटर को सॉल्यूशन के अंदर, यानी सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर आने से रोकने के लिए लगाने वाला प्रेशर, या तो वो अंदर आने दो उसको और उसकी वजह से जितना हाइट राइज होगा उसका प्रेशर, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में वैंटहॉफ ने एक्सपेरिमेंट किए और उससे फॉर्मूलेस बताए। वैंटहॉफ का कहना क्या है, तो जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रीडम के साथ कहीं पे भी घूमते रहते हैं, आइडियल केस में गैस मॉलिक्यूल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, और जब ये गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर को टकराते, अब ये वाला गैस मॉलिक्यूल इस तरफ टकरा है बेटा, ये वाला गैस मॉलिक्यूल इस तरफ टकरा रहा है, तो ये गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर को टकराते रहते हैं, और इनके कोलिजन की वजह से यहां वॉल पे क्या तैयार होता है, प्रेशर। सो प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बाय द बम्बार्डिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से यहां प्रेशर डेवलप होता। तो इसी तरीके से वैंटहॉफ का कहना है कि अगर हमारा ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और इस सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, यानी डाइल्यूट कर दो, सोल्यूट आपका बहुत ही कम पैमाने पे है, ये देखो बेटा मैंने क्या कहा, सोल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, यानी आपने वाटर बहुत ज्यादा ले लिया और उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल बहुत कम ले लिया, यानी ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है,
ऐसे कंडीशन में ये सॉलिड सोल्यूट मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल के तरह ही बिहेव करते हैं। ये जो आपका गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल कैसे है, फ्रीली घूम रहे हैं, उसी तरीके से ये वाले सोल्यूट के पार्टिकल भी फ्रीली घूमेंगे अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो। अब ये वाले पार्टिकल भी वॉल पे टकराएंगे ऐसे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा। इस तरीके से ये सोल्यूट पार्टिकल भी वॉल ऑफ द कंटेनर पे टकराएंगी और उसकी वजह से भी प्रेशर डेवलप होगा। इसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके वजह से जनरेट हुआ, तो सोल्यूट पार्टिकल का घूमना सोल्यूशन के अंदर, और जब वो टकराते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होना। ठीक है बेटा, इट इज सिमिलर विथ गैसेस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी देखो, अब इसके ऊपर से वेंटोफ ने क्या बताया कि जो प्रेशर डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी ये प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये कम पार्टिकल है तो प्रेशर कम डेवलप करेंगे, अगर यहां पे मैंने ज्यादा पार्टिकल्स ले लिए तो ये ज्यादा बम्बार्डिंग होगा तो ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। समझा, यही इसका कहना है। तो ये इनडायरेक्टली बॉयल्स लॉ, जो बॉयल्स लॉ है उसी से सिमिलर आ रहा है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। यानी अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इनडायरेक्टली ये आपका मोलैरिटी भी है। क्लियर, और इसे कहोगे वेंटोफ का पहला कंक्लूजन जो कि बॉयल्स लॉ के सिमिलर है, यानी जो गैसेस में आप पढ़ते हो उसके। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड बेटा, वेंटोफ ने और एक एनालिसिस किया था जो चार्ल्स लॉ के समान ही है। चार्ल्स लॉ यानी गैसियस में देखा था आपने, बट वेंटोफ की स्टडी सॉल्यूशन के बारे में है और चार्ल्स लॉ का गैसेस के बारे में थे, और उन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये बड़ा अपने सोल्यूट पार्टिकल्स है, ऑब्वियस है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल को एनर्जी ज्यादा मिलेगी और ये ज्यादा एनर्जी के साथ वॉल को टकराएंगे। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेफिनेटली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ये आपका वेंटोफ का लॉ या तो चार्ल्स लॉ भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई, वो ज्यादा एनर्जी से ट्रेवल करेंगे तो वो एक सेकंड में ज्यादा बार टकराएंगे तो ज्यादा प्रेशर यहां पर डेवलप करेंगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बेटा दोनों लॉस को कंबाइन कर दो, दोनों को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन किया तो क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इससे वॉल्यूम को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो पाई इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी। सो ये हो गया पाई वी इक्वल टू, अब कॉन्स्टेंट ले लो आर इंटू एन इंटू टी। सो आर यानी क्या, गैस कॉन्स्टेंट, वही आपका यहां पे भी इस्तेमाल होगा तो ये एनआरटी हो जाएगा। तो ये अपना जो आइडियल गैस इक्वेशन था पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसी को एनालॉगस हो गया, उसी के सिमिलर आ गया। ये यहां पर आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या इसको 0.00
8.12 भी ले सकते हो आप इन लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, या इसको 8.314 जूल पर मोल केल्विन कह दो। अब देखो डर नेक्स्ट हमारा पाई इंटू वी इक्वल टू एनआरटी ऐसा इक्वेशन आ गया। अगर हमारे दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है तब उसे आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक यानी क्या? तो दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यानी आइसोटोनिक। और बेटा हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ? अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में तब वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। और अगर हाइपोटोनिक कहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है दूसरे के कंपैरिजन में, अगर दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर सेम है ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो हो गया आइसोटोनिक। अगर एक का प्रेशर ज्यादा है तो उसे कहोगे हाइपरटोनिक दूसरे के कंपैरिजन में, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको कहोगे हाइपोटोनिक। तीन चीजें अपना, सेम प्रेशर तो आइसोटोनिक, ज्यादा प्रेशर तो हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, और कम प्रेशर तो हाइपोटोनिक। ऐसा आपके सॉल्यूशन है। न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सिंपल आएंगे। न्यूमेरिकल्स में जैसे पहला टाइप हम लोग ले लेते कि पी पाई इंटू बी इक्वल टू एनआरटी। अब ऐसा हो सकता है बेटा इनमें से आपको कोई वैल्यूज दे दे और कोई एक वैल्यू आपको निकालने रहे, जैसे मैंने ये भी दे दिया ये भी दे दिया ये भी दे दिया ये भी दे दिया और टेम्परेचर निकालना है, ठीक है? कोई भी फोर टर्म्स आपको दिए रहेंगे, एक आपको निकालना रहेगा। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंपैरिजन करना रहे, जैसे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो अगर आप पाई वन अपॉन पाई टू करोगे तो टी वन अपॉन टी टू आएगा। कब? जब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है? तो आपको रेशियो लेना रहेगा। यहां से आप ऐसा भी ले सकते हो कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम, सो ये पाई वन अपॉन पाई टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल रह सकता है अगर आपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा तो। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर है ऑस्मोटिक प्रेशर?